मैकेनिकल इंडस्ट्री में मोस्टली तीन तरीके होते हैं पावर ट्रांसमिशन के। फर्स्ट वन इज बेल ड्राइव्स, एक पुली से दूसरी पुली को बेल्ट के थ्रू कनेक्ट करना, लेकिन इसमें स्लिपेज की प्रॉब्लम आती है। बेल्ट पुली पर स्लिप होता रहता है और 100% पावर ट्रांसफर हो नहीं पाती। इसलिए पावर ट्रांसमिशन का धीरे धीरे दूसरा तरीका सामने आया, गियर सिस्टम। इसके आते ही सबसे बड़ा फायदा हुआ कि स्लिपेज एकदम जीरो हो गया। अब स्लिपेज जीरो हो गया तो आप इनपुट से ही अंदाजा लगा सकते हो कि आउटपुट में हमें कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। तो गियर सिस्टम इतना डेवलप हो गया कि आज के टाइम में मल्टीपल टाइप के गियर सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है। अब इन सभी को समझने से पहले हमें गियर्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, और इसके बाद में आप चाहो तो खुद से भी अपने प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। जो आप गियर देख रहे हो इसके ऊपर बहुत सारे टीथ बने हुए हैं। जब एक गियर दूसरे के कॉन्टेक्ट में आता है तो वह इन टीथ से ही पावर को ट्रांसफर करता है। तो जब भी दो गियर मैश होते हैं तो प्राइमरी कंडीशन यह है कि उनके टीथ की साइज बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज स्लिपेज भी हो सकता है, नॉइस भी ज्यादा होगी और गियर सही मैश भी नहीं होंगे। मानकर चलते हैं यह जो बड़ा गियर है इस पर 48 टीथ बने हुए हैं और इस छोटे गियर पर 16 टीथ बने हुए हैं। अब यदि हमें गियर रेशियो निकालना है तो 48/16 कर देंगे, जिसे गियर रेशियो हमें मिलेगा 3:1। अब गियर रेशियो को सिंपल भाषा में समझते हैं, यदि हम बड़े गियर को मोटर या किसी इंजन से पावर देते हैं तो बड़ा गियर एक बार पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा तो छोटा गियर 3 बार रोटेट कर जाएगा। अब इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा, यदि हमारे इंजन या मोटर की स्पीड कम है तो हम ज्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं कुछ ऐसे गियर रेशियो से। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा होता है, यहाँ पर ओमेगा स्पीड है। अब इस गियर रेशियो से स्पीड तो बढ़ जाएगी लेकिन टॉर्क कम हो जाएगा। इसलिए आप गाड़ियों में हमेशा देखोगे कि 5 नंबर गियर में गाड़ी की स्पीड बहुत होती है लेकिन टॉर्क बहुत कम होता है। यदि रेस्ट पोजीशन में गाड़ी में 5 नंबर गियर लगाकर चलाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी इतना ही टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगी कि वह थोड़ी बहुत हिल भी सके, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा गियर छोटे गियर को रोटेट करवा रहा है। इसका रिवर्स यदि हम छोटे गियर को पावर देंगे मोटर से, तो जब छोटा गियर 3 बार रोटेट होगा तब जाकर बड़ा गियर 1 बार रोटेट होगा, यानी आउटपुट में स्पीड कम हो रही है तो यहाँ पर टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि हेवी लोडिंग का काम है तो हमें गियर रेशियो को कुछ ऐसे सेट करना होगा। गियर का हमें एक और बड़ा फायदा मिलता है, हम रोटेशन को भी बदल सकते हैं। यह गियर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज। जो आप गियर देख रहे हो इसका नाम है स्पर गियर। इसका यूज हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि यह गियर बहुत ज्यादा नॉइस करता है हाई स्पीड में। जब गियर का टीथ कॉन्टेक्ट में आता है दूसरे गियर के टीथ से तो पूरा का पूरा टीथ एक साथ में ही कॉन्टेक्ट में आता है, जिसकी वजह से नॉइस ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसको आप और अच्छे से थोड़ा सा आगे समझ जाओगे। तो इस गियर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हेलिकल गियर को बनाया गया। इस गियर के टीथ स्लाइटली एक एंगल पर मुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से गियर के टीथ दूसरे गियर से पूरा एक साथ में कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। पहले टीथ का एक पॉइंट कॉन्टेक्ट में आता है और नेक्स्ट पॉइंट जब कॉन्टेक्ट में आएगा तो पहला पॉइंट उसको छोड़ चुका होगा, कुछ इस तरीके से। यदि कभी हम घर लेट से आते हैं तो पैरों की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे जाए, इसलिए सबसे पहले हम पैर का कुछ पोर्शन सरफेस को टच करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे पूरे पैर को सरफेस से टच करते हैं ताकि पैरों की आवाज़ किसी को सुनाई ना दे जाए। ठीक ऐसा ही हेलिकल गियर में होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में गियर की स्पीड बढ़ गई और गियर साइलेंट भी हो गए, इसलिए गाड़ियों के गियर बॉक्स में हेलिकल गियर को ही यूज में लिया जाता है। इसका यूज हेवी लोडिंग मशीनरी में भी होता है। अब दोस्तों आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताता हूँ, जब हमें कोई इंजीनियरिंग टूल्स खरीदने होते हैं तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी इंजीनियरिंग टूल्स में मास्टरी हो। अब moglix.com जैसा प्लेटफॉर्म हो तो हमें चिंता की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको घर के जितने भी अप्लायंसेस है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर इंडक्शन स्टोव फैन, इन सब से लेकर ऑफिस के लिए चेयर, सिक्योरिटी कैमरा, प्रिंटर, लैपटॉप और इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन टूल जैसे वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन, सेफ्टी टूल, इनके अलावा हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी टूल्स है सब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के अवेलेबल है। और इनकी खास बात है यह ऑन टाइम पर डिलीवरी करते हैं। यदि आप Moglix ऐप से ऑर्डर करते हो तो फर्स्ट ऑर्डर पर आपको कूपन कोड लाइफ अड्डा यूज करने पर आपको 100 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप और वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार विजिट जरूर से कीजिए। Now back to the point। अब स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हमें जरूरत पड़ी डबल हेलिकल गियर की, जिसको हेरिंग बोन गियर भी बोलते हैं। यह सेम हेलिकल जैसे ही होते हैं लेकिन डबल होते हैं। यह गियर स्मूथली एंड साइलेंटली पावर ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि एक टाइम में 2 टीथ मैश होते हैं, इसलिए गाड़ियों का जो गियर बॉक्स होता है उसमें इन गियर को यूज किया जाता है।
इसके अलावा सबमरीन और स्टीम टर्बाइन जो बहुत हाई स्पीड में रोटेट करते हैं, और जो स्पोर्ट्स कार होती है वहाँ पर भी इनका यूज होता है। अभी तक हमने जितने भी गियर देखे हैं वह सब पैरेलल पावर ट्रांसफर करते हैं, यानी गियर की जो शाफ्ट है वह एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। इसलिए जब किसी एंगल पर पावर ट्रांसफर करनी हो तब बेवल गियर का यूज होता है। यह पावर को 90 डिग्री या फिर किसी अदर एंगल पर भी पावर ट्रांसफर कर सकता है, और इनका सबसे बेहतरीन यूज होता है ऑटोमोबाइल फील्ड में। गाड़ियों में इंजन से पावर कुछ इस तरीके से मिलती है, और फिर इस बेवल गियर का यूज करके पावर को दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल पर ट्रांसफर कर दिया जाता है टायर के पास में। इस गियर बॉक्स को डिफरेंशियल गियर बॉक्स बोलते हैं, जिसकी वर्किंग को हम किसी और वीडियो में डिटेल से समझेंगे, क्योंकि यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है एंड इट विल नीड सेपरेट टाइम टू एक्सप्लेन। इसके बाद में वॉर्म गियर आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वॉर्म का हिंदी मीनिंग होता है कीड़ा, तो यह कुछ कीड़े की तरह रेंगता है और गियर को रोटेट करवाता है। यह गियर भी 90 डिग्री पर पावर को ट्रांसमिट करता है, बट इसकी कुछ खास बात है। एक तो यह गियर स्पीड को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। इसका गियर रेशियो 300:1 भी हो सकता है, जिसका मतलब है यह वॉर्म जब 300 राउंड कम्प्लीट करेगा तब जाकर वॉर्म व्हील एक राउंड पूरा करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब स्पीड इतनी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है तो हमें बहुत ज्यादा हेवी टॉर्क मिलता है। एक इनका बेनिफिट और है कि सिर्फ वॉर्म ही व्हील को रोटेट करवा सकता है, व्हील वापस वॉर्म को रोटेट नहीं करवा सकता। इनमें वन वे पावर ट्रांसफर होती है, इसलिए इनका यूज एलिवेटर जहां पर बहुत हेवी लोड होता है वहां पर यूज होता है। इसके अलावा गाड़ियों में जो स्टीयरिंग व्हील होता है वहां पर भी इसका यूज होता है, ताकि कार की स्टीयरिंग को स्मूथ बनाया जा सके। इसके बाद में आता है रैक एंड पिनियन गियर। इसमें जो रोटेट हो रहा है उसको पिनियन बोलते हैं, और जो लेफ्ट राइट मूव हो रहा है उसको रैक बोलते हैं। यह गियर बॉक्स रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में बदल देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गाड़ियों में जो मैकेनिकल स्टीयरिंग आती है, उनमें हम गाड़ी के स्टीयरिंग को एक रोटेशन में मूव करते हैं, लेकिन गियर की हेल्प से के टायर लेफ्ट राइट मूव करते हैं कुछ इस तरीके से। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक तो दो गियर के बीच में दूरी ज्यादा है और हमें दोनों गियर का रोटेशन भी सेम ही डायरेक्शन में चाहिए, तो इसके लिए हम बीच में एक आइडलर गियर को यूज करते हैं जो इन दोनों गियर को कनेक्ट भी कर देगा और रोटेशनल एक्सिस भी सेम कर देगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि दूरी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है गियर के बीच में, तो उस कंडीशन में हम पावर ट्रांसमिशन का तीसरा तरीका यूज करते हैं, जिसमें दो गियर के बीच में चेन सिस्टम को यूज करते हैं, और यहां पर जो गियर लगे हैं उनको स्प्रोकेट गियर बोलते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट गियर आता है जिसको इंटरनल गियर बोलते हैं। अभी तक हमने जितने भी गियर देखे हैं उनमें टीथ सबके बाहर की तरफ थे, लेकिन इस गियर में टीथ अंदर की तरफ होते हैं। और जो प्लेनेटरी गियर सिस्टम होता है जो इसी सिस्टम का पार्ट है और दुनिया का सबसे बेहतरीन गियर सिस्टम भी है। प्लेनेटरी गियर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, लेकिन यह एक ही गियर गाड़ी को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में भी चला सकता है और गाड़ी की स्पीड को कम ज्यादा करने का भी काम कर सकता है। इसलिए जो गाड़ियों का गियर बॉक्स होता है वहां पर मास्टर गियर प्लेनेटरी गियर सिस्टम ही होता है। इस गियर को हम डिटेल से किसी अदर वीडियो में समझेंगे। अब इन सभी गियर का यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट भी बना सकते हो खुद से, और आपको ऐसा एनिमेशन सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। moglitch.com को एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा, बहुत बेहतरीन टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और भी ऐसे बेहतरीन फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।